शेयर बाजार में लगे हुए पैसे दो दिन में लगभग दस लाख करोड़ डूब चुके हैं आपके जहन में ये सवाल होगा ना कि शेयर बाज़ार में इन्वेस्टेड रहें या फिर पैसे निकाल लें डिलीवरी में जाएं, फ्यूचर ऑप्शंस में जाएं, इंट्राडे में जाएं, क्या करना चाहिए मैं इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो अभी जिस वक्त ये वीडियो मैं बना रहा हूं, निफ्टी फिफ्टी लगभग सत्तानवे पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी तीन पॉइंट ऊपर है और सेंसेक्स चार पॉइंट चढ़ा हुआ है दो दिन तक लगातार पिटाई होने के बाद अब शेयर बाज़ार में फिर से वापसी आ रही है आप एक चीज़ याद रखें कि शेयर बाजार में जो करेक्शन होता है ना करेक्शन का ये दौर आपके लिए बहुत मौके लेकर के आता है और आप इन्वेस्टेड रहें अगर आपके पास में पैसे हैं अगर कोई बड़ा करेक्शन आया मान लीजिए दो दिन में हज़ार पॉइंट से ज़्यादा सेंसेक्स टूट गया या फिर चार सौ पाँच सौ से ज़्यादा अगर निफ्टी टूट गया है तो आपको और भी ज़्यादा अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए क्योंकि यही एक बेहतर मौका है अब कुछ मैं शेयर्स आपको बताता हूँ ख़ासतौर से पी एस यूज में जो आगे भी अच्छा और बेहतर परफॉर्म करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एन बी सी सी एल आई सी आई आर एफ सी बी पी सी एल रेल विकास निगम पावर ग्रिड कॉर्प भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इंडन इंडियन रेन्यूबल एनर्जी एन एच पी सी आई ओ सी एल गेल नालको ये ओ एन जी सी पी एन बी एन सी सी हिंदुस्तान कॉपर और सेल ये वो शेयर्स हैं जिनमें आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर यूनिट के शेयर्स हैं इन्हें लेकर के सरकार ने हाल के दिनों में कई बड़े ऐलान किए हैं सरकार ने बहुत पॉजिटिव साइंस दिए हैं तो आप ये समझें कि इलेक्शंस तक आपको इन्वेस्टेड रहना है इलेक्शंस तक आपको अपनी अपनी स्ट्रेटजी अभी चेंज नहीं करनी है पैनिक सेलिंग ना करें पैनिक करके हाँ इतना ज़रूर है कि बीच बीच में थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली आप कर सकते हैं लेकिन अगर लॉन्ग टर्म टर्म इन्वेस्टर आप रहेंगे तो आपके लिए ये फायदे का सौदा होगा नमस्ते